अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रही है डिनर पे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये टाइम आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज हम जाएंगे KFC। तो मैं यहाँ पर बड़े मज़े से रोड पे अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है जिसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और एंड में घर वापस जाते हुए जो हमारे साथ सीन हुआ है वो आप देखेंगे, और मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी व्लॉग के आखिर में। इंडिया ये इंडिया वाले तुम्हें ये पाकिस्तान है, इंडिया है यार। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनली हमारा ऑर्डर जा रहा है, ले लो भाई ले लो। निकाल के करो, बच्चा भी बैठे बैठे थक गया। डैडी भी आ गए। डैडी डैडी यार लेमोनेड हो गया खत्म। हाय अल्लाह वेरी सैड भाई, लेमोनेड खत्म हो गया। लेमोनेड हो गया खत्म। अच्छा तो मैं पेप्सी पीऊंगा। बहुत ये हुआ ये सुन के, पेप्सी हमको पसंद नहीं है भाई, इसको भी लेमोनेड पीना है। अभी भी बहुत टाइम है। हम लोग आए KFC लेके, हमने सोचा था कि बिल्कुल टाइम ही लगेगा। फिर कितना टाइम लग रहा है? हाँ, इससे ज़्यादा टाइम लगा। हम सोच के आए थे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर डबल टाइम लग रहा है। और पै गए बच्चे फुल यहाँ पर जो है ना मौज मस्ती में लग गए। राइट, तो हमने बेबी चेयर पर जो है वो बिठा दिया। वो देखें बोर चक वो जन्नत क्या कर रही हो? जन्नत जन्नत राहत, किसी की दोस्ती हो जाओ, राहत की दोस्ती हो गई। सफा के बाद हमारे सामने में दूसरा बंदा राहत, माशा राहत बहुत फ्रेंडली है। राहत 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 प्रोग्राम को ध्यान चला गया है अंकल के बाद। और ये पे जाके जन्नत के साथ खेलते हुए भूख लग रही है। हाँ ना, अलग पूरी होगी। 11 बज गए हम लोग, 10 बजे से आए हैं, 11 बज गए। एक घंटा हो गया ऑर्डर ही नहीं आया। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मंगाई, जब भी नहीं आ रहा। हाँ हमारी फैमिली बड़ी हो गई, एक घंटे में तो मैं बना ली थी। और राहिल भी रो रहा था, वो चला गया है या ना? मैं आ गया राहिल को देखें। राहिल राहिल क्या खा रहे हो? वेट 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 सब दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ।
सबके बर्गर सबके पास जा चुके हैं और बहुत ही बहुत मिसमैनेजमेंट होगी, लड़ाई होगी नीचे ऑर्डर पे, लड़ाई होगी नीचे ऑर्डर पे, क्योंकि देर लगेगी तो लड़ाई होगी। ये भी बैठी खा रही है, जो था वो हुआ पूरा। एंड में हम लोग हमेशा कहते हैं कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। हो गया एंड, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही बुरी ट्रेजिडी हो गई, और वो ये कि हम बस निकल रहे थे और हम वहाँ पे सब बंद हो गया था, तो वॉक कर रहे थे और आज हमारे मोबाइल छिन गया था, हमारा कैमरा छिन गया था, और हम सब बेसिकली हम लोग वॉक नहीं कर रहे थे, एक तरीके से समझे कि हमने गाड़ी जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे दूर खड़ी कर दी थी। तो ये कोई वीडियो, ये कोई जो छोटा सा मैसेज वीडियो के एंड में दे रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि वीडियोस के व्यूज के लिए, बट ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात सबको पता है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, जिस वजह से क्या कहते हैं ये स्नैचिंग वगैरह हट गई। तो हम लोग दो दो करके जा रहे थे, मतलब भाभी और वो अलग जा रहे थे, दो बंदे अलग जा रहे थे, मैं अम्मी और इफ्रा जो है, अम्मी का जो साइड था वो रोड पे था और बाकायदा जो हैंड था वो अम्मी पकड़ा, और मैं थोड़ा सा आगे था राहित को पकड़ा, पीछे से देखा तो बाइक वाला है, उसने अम्मी का हैंड बैग खींच रही गोइश की, जो कि वो नहीं खींच पाया, मैंने पीछे ऐसे ही देखा, वो समझा कि ये अकेली है औरत ना, तो पीछे वाली आदमी देखा वो डर गया और वो भागा, और वो तेजी में भाग गया। उसके बाद मुझे लगता है वो आम नहीं था, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आम नहीं था तो इसने कोई ऐसा अटैक नहीं किया। लेकिन क्या कहते हैं अभी कराची में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 11:30 बजे क्योंकि शॉप्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह जल्दी बंद हो रहे हैं गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। तो वीडियो ये एंड छोटा सा पैगाम देने के, अगर आपने दूर भी गाड़ी पार्क की और 4-5-6-7 लोग हैं तो एक साथ जाके वहाँ तक पहुँचे या वहीं पर खड़े हो जाए और अपनी गाड़ी या जो भी कन्वेंस है आपकी बाइक XYZ ऑटो वगैरह उसको वहाँ पर बुला लें, जिस रेस्टोरेंट में जिस जगह पे आप मौजूद हैं, क्योंकि उनके गार्ड वगैरह भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये वीडियो के एक पैगाम देना बहुत जरूरी था, ये इंसिडेंट अभी जस्ट हमारे साथ हुआ है वापसी में, थैंक गॉड अल्लाह पाक ने सबको महफूज रखा हो, हमारी दुआ है अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, और जो जो ये चीज़ें होने की वजूहत हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी उसको अल्लाह पाक इस मुल्क से दूर फरमाए और हम सबको क्या कहते हैं हंसी खुशी रहने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो के एंड में दोबारा आपको बोल देते हैं, वैसे तो मैं एंड कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।